सशस्त्र बल, दुनिया की सबसे बड़ी स्वयं सेवी सेना अब युवा और अधिक घातक होता जा रहा है। इस परिवर्तन के केंद्र में अग्निवीर है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में एक नई और विशिष्ट रैंक है। 17.5 से 21 वर्ष के आयु के उम्मीदवारों में से चुने गए ये जाबाज सशस्त्र बलों के माध्यम से अपने सपनों और क्षमता को पूरा करेंगे। बदले में अग्निवीर का नाम, नमक, निशान के प्रति निष्ठा उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में आकार देंगे। वे कुछ सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण वातावरण में 4 साल की अवधि के लिए काम करेंगे। उनकी सेवा के अंत में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बाकी समाज में एक अनुशासित, प्रेरित और कुशल कार्य बल के रूप में वापस जाएंगे, जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए हमारी संस्कृति और जलवायु को सक्रिय करेगा। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। रक्षा मंत्री के भाषण से पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। लाखों युवक और युवतियों ने भारत की इस पुकार का जवाब दिया। उन्होंने राष्ट्र के सम्मान और सेवा के करियर के लिए खुद को प्रदान किया। इन उम्मीदवारों को भीषण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उन्हें उच्चतम मानकों को पूरा करना होगा और शारीरिक, चिकित्सक और मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन करना होगा। वे अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, क्योंकि वे जानते हैं भारत को अपने सर्वश्रेष्ठ युवाओं की जरूरत है। भर्ती केंद्रों और प्रशिक्षण स्कूलों में एक नया उत्साह नजर आता है। सम्मान, शौर्य और निस्वार्थ सेवा की एक महान परंपरा के ये संरक्षक अब एक गौरवशाली नए अध्याय की तैयारी कर रहे हैं। एक संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निवीरों को वो हर अवसर और संसाधन मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अग्निवीर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, व्यापार प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण के बाद अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों से गुजरेंगे। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अग्निवीरों को उनके द्वारा विकसित कौशल के लिए पुरस्कृत करने के लिए सहयोग किया है। इसलिए प्रत्येक अग्निवीर को इग्नू और NIOS से डिग्री या डिप्लोमा के साथ साथ एक राष्ट्रीय नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा अग्निवीर को नागरिक उद्योग योग्यता और राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों के साथ मैप किया जाएगा। ये प्रत्येक अग्निवीर के कौशल प्रमाण पत्रों में परिलक्षित होंगे। नए तरीके, नए उपकरण, नए प्रशिक्षण सहायक, ये भारतीय सेना में परिवर्तन के संकेत हैं। सांसें रोके दुनिया अब इंतजार कर रही है कि भारत क्या कर सकता है और क्या करेगा।